दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा और आज मोस्ट इंपोर्टेंट एक न्यूज आई है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के रिगार्डिंग। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो नेवर गिव अप, कभी आशा नहीं छोड़िएगा, कभी उम्मीद नहीं छोड़िएगा और नौकरी पाकी रहनी है। तो क्या न्यूज आई है वो पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुशवाहा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, एमपी कांस्टेबल के 12 लाख एडमिट कार्ड जारी होंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के। अब तक की सबसे बड़ी ये खबर है और आज के न्यूज़पेपर की ये खबर है। क्या खबर है प्रदेश, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रदेश की सबसे बड़ी एग्जाम होने वाली है। इंदौर सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। मामला पुलिस भर्ती परीक्षा का है। 1 जनवरी तक 12 लाख एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी है। जिन्हें कोविड कोविड है या लक्षण है, उनके लिए अलग से अलग सेंटर जारी होंगे। एमपीपीवी की पुलिस के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अगले सप्ताह मध्य प्रदेश के कांस्टेबल के परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर देगा वेबसाइट पर। दोस्तों, ये न्यूज़ थी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये जो न्यूज़ छापी है इन्होंने, तो हो सकता है कि पीवी वालों से बात करके छापी हो, या हो सकता है कि पीवी वालों से बात नहीं की हो। तो मेरा यही सीधा सीधा आएगा कि जो भी मेरे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम वो अभी रेगुलर तैयारी करें। और ये देखिए, उसके बाद अगर फिजिकल होता है उसके बारे में बताया गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इंदौर में 50,000 अभ्यर्थियों का एग्जाम होगा। और दोस्तों, इंदौर में आपको मालूम है सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, तो ये बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। और ये आपको ले जाना होगा, एक वोटर आई, आपका आईडी कार्ड ले जाना होगा। इसमें आप आधार कार्ड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप उसको ले जाओ और किसी किच कचू की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, परीक्षा में जो बैन रहता है वो तो रहेगा ही। तो इम्पोर्टेंट यही न्यूज़ है कि अब जो अगले हफ्ते, मतलब नेक्स्ट वीक, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मंडे से मंगल संडे तक तो एडमिट कार्ड आ सकते हैं। तो छोटी सी न्यूज़ थी और आज के लिए इतना ही। कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलेगी मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा और हर बार बताता हूँ। टेक केयर। ये खबर आपने पढ़ी और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे। अपनी तैयारी कभी बंद नहीं करिएगा और मन लगा के तैयारी करो दोस्तों। जल्दी वैकेंसी, और भी वैकेंसी आएंगी। ये वाला तो आपको पेपर निकालना ही है, इसके साथ में और भी आपको एमपीएसआई एमबीपीएससी का पेपर भी निकालना है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम न्यूज़ देता रहूँगा और जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं आपके करते रहूँगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।